बच्चों, आज हम वजन के नए अध्याय से सीखेंगे। आप जानना चाहोगे कि आज हम किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? तो आज हम हीरोस के बारे में सीखेंगे। इन सभी हीरोस के जिक्र बाइबल में किया गया है। यह अतीत से इन लोगों की महानता की बातें आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए मौजूद है। परमेश्वर के पास भी कुछ अद्भुत लोगों के याद करने के लिए प्रसिद्धि का एक हॉल है, जिसके बारे में नया नियम में लिखा गया है। मैं भी जानती हूँ कि आप सब एक्साइटेड होंगे। ये हीरोस आखिर कौन है? वे है फेथ हीरोस। तो चलिए आज हम इसके बारे में सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें फेथ हीरोस क्यों कहा जाता है। हमारा पहला हीरो है नूह, नोहा। आप सब नूह के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम नूह के जीवन को करीब से देखेंगे। नूह एक धर्मी पुरुष था और परमेश्वर का भय मानता था। यह वही व्यक्ति था जिसने जल के लिए जहाज बनाया और प्रभु की आज्ञा मानी। आपको पता है, उन दिनों में कभी भी बारिश नहीं होती थी और किसी ने जहाज नहीं देखा था और ना ही बारिश। परंतु नूह ने परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए जहाज बनाकर अपने परिवार और प्रत्येक जाति के जीवित प्राणियों में से दो दो नर और मादा अपने साथ जलयान में ले जाकर बचाया। नोहा नाम का अर्थ है जो हमें शांति देगा, the one who will give us rest। रहने की जगह मेसोपोटामिया। पिता का नाम लामेक, बच्चों का नाम शेम, हाम या फेद। नूह की बुलाहट की उम्र 500 वर्ष। आंटी, नू अंकल के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली? जैकब, ये सारी जानकारी आपको उत्पत्ति 6 से 10 अध्याय तक मिल जाएगी। बच्चों, आप जरूर इन सभी अध्यायों को पढ़िएगा। विश्वास के कार्य, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज की निर्माण, परमेश्वर का वाजा, तुम भूलो हलो और पृथ्वी पर भर जाओ और बहुत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। उत्पत्ति 9 का 7 में हम इस बात को देख सकते हैं। कुल आयु 950 साल। हमारा दूसरा हीरो है अब्राहम। अब्राहम भी जीवित परमेश्वर को ढूंढता था और परमेश्वर की बुलाहट से पहले इनका नाम अब्राहम था, जिसका अर्थ है उन्नत पिता। अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया और बुलाया ताकि वो अब्राहम के द्वारा अपनी प्रजा बनाए, जो कि इसराइल कहलाए। और परमेश्वर ने उन्हें अब्राहम नाम दिया, जिसका अर्थ है बहुतों का पिता, और उन्हें इसराइलियों का मूल पिता भी ठहराया। आइए उनके जीवन के बारे में भी और जानकारी लें। अब्राहम नाम का अर्थ है बहुतों का पिता। रहने का स्थान कनान। पिता का नाम तेरह, चौंगा नाम इसाक, इस्माइल, जिम्रान, योशान, मदान, मिध्यान, इसबाक और शू। अब्राहम के बुलाहट की उम्र, अब्राहम जब 75 वर्ष का था तब परमेश्वर ने अब्राहम को मेसोपोटामिया से बुलाया था। सुनो जैकब, आपको अब्राहम के बारे में जानना है तो आप उत्पत्ति 12 अध्याय से पढ़ लेना। विश्वास के कार्य। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह चले गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी निकल गया। परमेश्वर का वाजा, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल में हूँ। उत्पत्ति 15:1। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा होगा। उत्पत्ति 15:5। उनका मृत्यु
175 साल में हुआ। हमारा तीसरा हीरो है इसहाक। इन्हें प्रतिज्ञा का वारिस भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों में चलते हुए परमेश्वर का भय माना। इसहाक को तो आप जानते होंगे ना, यह वही है जिन्हें परमेश्वर ने अब्राहम से मोरिया पर्वत पर बलि के रूप में मांगा था। पर सही समय में ही परमेश्वर ने इसहाक की जगह बलि के लिए एक भेड़ को प्रोवाइड किया। आइए इनके बारे में और जानते हैं। इसहाक नाम का अर्थ है हसी। कहाँ रहता था? कनान में। पिता और मादा का नाम अब्राहम और सारा। बच्चों का नाम एशाव और याकूब। उसकी बुलाहट की उम्र 40 वर्ष। विश्वास के कार्य। विश्वास के प्रतिज्ञा के अनुसार अपने बच्चों को आशीष प्रदान किया। परमेश्वर का वाचा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरी वंश बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति 26:24 में लिखा गया है। उनका मृत्यु 180 साल में हुआ। हमारा 14 हीरो है मूसा, मोसेस, जिसके द्वारा हमने परमेश्वर का व्यवस्था और 10 आज्ञाओं को और मिलाप वाले तंबू के विधियों को भी पाया। मूसा का नाम का अर्थ है जल से निकाला हुआ। कहाँ रहता था? मिस्र और मिदान। मादा पिता का नाम लेवी गोत्र का था। बच्चों का नाम गर्शेम। मूसा की बुलाहट की उम्र 80 वर्ष। विश्वास के कार्य। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। वहां अनदेखे को मानो देखते हुआ दृढ़ रहा। इब्रानियों 11:27। परमेश्वर का वाचा, मैं तेरे द्वारा अपनी प्रजा इसराइल को गुलामी से निकालूंगा। उनका मृत्यु 120 साल में हुआ। हमारा पांचवा हीरो का नाम है शमूएल, जिन्हें इसराइल के न्यायी, याजक, भविष्यद्वक्ता का रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया था। आइए उनके जीवन के बारे में और भी जानकारी ले। नाम का अर्थ ईश्वर का सुना हुआ। कहाँ रहता था? शिलो। पिता का नाम यलकाना। मादा का नाम हन्ना। बच्चों का नाम योएल, अबियाओ। उसकी बुलाहट की उम्र बालकपन से। विश्वास के कार्य। शमूएल ने परमेश्वर के मार्गदर्शन में इसराइल का आत्मिक न्याय किया और विश्वासी से उसने प्रभु की व्यवस्था को इसराइल के प्रजा को सिखाया। हिब्रू 11:32 में लिखा गया है। परमेश्वर का वाजा, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बातें निष्फल नहीं होने दी। पहला शमूएल 3:19 में देख सकते हैं। बच्चों, यह सारे लोग इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। कई सारी चीजों थी जो उन्हें इस पृथ्वी पर नहीं मिली, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर विश्वास करते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर ने उनके लिए एक अद्भुत योजना ठहरा रखी है कि हम सब मिलकर एक साथ स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के समान परफेक्ट बन जाए। तो जैसे इन सारे लोगों ने कठिन समय में भी अद्भुत तरह से विश्वास का एक एग्जाम्पल सेट किया, तो आइए हम भी एक एग्जाम्पल सेट करें।